खड़ी हूँ, क्या सोच रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा। और ये देखो ये मेरा दुपट्टा कर लो गया, बाल होंगे कि नहीं होंगे लेकिन दुपट्टा जरूर कर लो गया। अब ऐसा कि मैं थक चुकी हूँ तो मैंने कहा बाल। अब ऐसा कि मैं थक चुकी हूँ तो मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ब्रशा और देखने मेरा पहचान है ब्रशा ब्लॉग। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मेरे नई हर वीडियो मिलती रहे। तो कैसे आप, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे का होने वाला है। वैसे तो सारे ब्लॉग मेरे मजे करते हैं लेकिन आज का कुछ ज़्यादा मजे का होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। बताएं इसके बगैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मेरे बाल धुले हुए थे, वैसे तो मेरे बाल देखो ले कुछ किया भी नहीं, मेरे बाल कली लग रहे हैं ना। oh my God, नहीं लग रहे, खिलड़े लग रहे हैं। पीछे बैठ के ना मेरे बाल कली लग रहे हैं। अब देखें, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी मेरे बाल कर लग रहे हैं। मुझे कलर की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। आज तो मुझे खुद भी नहीं। ये देखे देखो मेरी बहन है, गुड़िया लग रही है। क्या लग रही हो? गुड़िया। थैंक यू। चाइनीज गुड़िया है, जापानी। तो भी चाइनीज गुड़िया छोड़ दे। देखिए मैंने बाल अभी कर्ल नहीं किए हैं लेकिन ये मेरा नेचुरल है, ठीक है, ये मेरे नेचुरल बाल। तो सबसे पहले मैं बालों पे हेयर प्रोटेक्टर लगाऊंगी क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया हेयर कर्ल क्योंकि मेरे बाल कट लिए हैं नेचुरली, ठीक है। तो यार ये आधे बाल इधर थे, आधे बाल इधर नहीं हुए पड़े है ना, शायद इसकी वजह से है ना। यार खुलेगा कैसे? अच्छा ये अब इसको निकालना भी नहीं आता। हेलो बेटा, की तरह लग रहा है? मुझे भी ऐसे लग रहा है। दिखाओ व्यूअर्स को, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। बिस्मा ये पकड़ी, ये देखें दिख रहा है, ये बिल्कुल तेल की तरह लग रहा है। इसकी अच्छी, मैंने कभी भी इस तरह के ऑयल नहीं लगाए हैं, मगर खैर ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है। वैसे मेरे बाल कर्ली ही हैं लेकिन उसको भी झोंक चढ़ गया, तो हम इसको ना सिर्फ बैठ गए हैं बाल बैठ रहे हैं hmm. क्या ना नुकसान ना हो जाए बालों का, ठीक है ठीक है। ये मेरा कर्लर है और इसको मैंने बहुत बहुत अच्छे से मेहनत से लिया था। अच्छा इसको मैंने 210 पे किया, मुँह पे ना लग जाए, ठीक है। ये मैंने इतने पकड़ लिए। सुनने की बुआ आ रही है, इसमें इस तरफ करना थी ना, देखी ये मुझे ऑपोजिट करना है, मुझे यहाँ गरम गरम लग गया। एक सेकेंड, इसको हमने ऑपोजिट देके जाना है फेस से बचा के। अच्छा अब ये मेरी दूसरी है, मेरा फर्स्ट टाइम है तो इतना मैं परफेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हार गई, इतनी खुशी, इतनी खुशी लग रही है ना। ये मेरे नेचुरल वाले हैं और ये मेरे आर्टिफिशियल वाले हैं। ओके यहाँ से आपने पकड़ के इस ऑपोजिट जाना फेस के, 1 2 3 वाओ ये भी हो गई, ठीक है। हाँ चल गया, दिख रही है अब। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बेलना पकड़ा हुआ है। अभी बाप मेरा कैमरा मैन आज बनी हुई है, अभी बाप ने पीछे मुझे तंग कर दी है। अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छी ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता गुच्छे है ना, लटक रहे होते हैं वो ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं बाहर वो जिन्होंने ना अपने बाल ना कंघी किए होते हैं, उनके गुच्छा बना होता है
है ना, वैसा लग रहा है ना। शर्म नहीं आ रही तुम्हें बहन का से कहते हुए? बहन अपने आप को खुद कह रही है। देखो ये मेरे बाल आधे कर्ल हो चुके हैं, ये वाला थोड़े थोड़े करो ना पकड़ के, थोड़े थोड़े फन्ने कर रही है तुम। खड़ी हूँ क्या सोच रही हूँ, हो क्यों नहीं रहा और ये देखो। Wow, nice. ये मेरा दुपट्टा कर्ल हो गया, बाल होंगे कि नहीं होंगे लेकिन दुपट्टा जरूर कर्ल हो गया अच्छे वाला। हुआ यार मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं अपनी बहन को ना कहूँ बिस्मा मेरे बाल थोड़े से कर लिए। थक चुकी हूँ तो मैंने कहा अब ऐसा क्या, मैं थक चुकी हूँ तो मैंने कहा यार बोला चुप छा एक सेकेंड, ऐसा क्या थक चुकी हूँ मैंने इतने बाल कर ली है या मैंने अपनी बहन को कहने के कुछ कर है नहीं, ये है तुम अंधी हो बोल के जोड़ी दियो ऊपर पंखे के साथ, मैंने लटका देना फीबी क्यूट अभी मेरे बाल कट करे इसको तो खोल दो अंधी हो गई है। मैं यहाँ बैठ गई हूँ और मेरी बहन मेरे बाल कट करेगी, मैं थक चुकी हूँ, मेरे मोटो में पीड़ हो रही है। अब मेरा कैमरा मैन भी मैं खुद हूँ, इसमें मुझे सेक लग रहा है तो लगेगा ही बाल कट ली हो रहे हैं। तो तुम्हारे बाल को मैं कर ली थी खाऊ मेरे इतने तो मैंने भी कर लिए थे है ना। वाह वाह वाह, मुझे पता ही नहीं थी मेरी बहन को इतना दिमाग है क्या, इसने कंघी नहीं किया बाल। ये मैं कट कर मेरा लुक देख लें आप, फिर उसके बाद आपको मैं लुक दिखाऊंगी। इतनी मेहनत मेरी बहन ने मेरी जाया कर दी है। और यकीन करो इसमें से खरबूजे की खुशबू आ रही है। मेरे बाल आते जैसे जैसे बिस्मा कर रही है ना मेरे बाल कर्ल, तो वो स्प्रे कर रही क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज्यादा सिल्की हैं तो वो हाथ में नहीं आ रहे और मशीन में नहीं आ रहे हैं। बिस्मा ने आगे मेरे ना जिस्म पे लगा दिया, मेरे कंधे पे लगा दिया मशीन, इतनी जलन हो रही है। तो मेरे ये वाले बाल कर्ली हो गए हैं, ठीक है आप देख सकते हैं बिस्मा मेरे बालों बिस्मा ने किया तो है नहीं तो इस जगह ये वाले मेरे बाल हो गए हैं कर्ली, ठीक है बिस्मा ये स्प्रे लगा के ना बाल खुरदरे से लग रहे हैं तो ऐसे ही होते हैं स्प्रे के बाद। खैर अब ये वाले मेरे बाल जो ऊपर कुच्ची के बना हुआ है ना, ये कुच्ची कौन सा अभी ये हमने दो स्प्रे यूज किए हैं, खराब निकला फिर हमने पुराना स्प्रे यूज, लेकिन वो जो मैंने न्यू लिया था ना वो तो खराब हो गया पता नहीं क्या, और पुराना अच्छा है, पुराना वाला सही निकला बस पुराना, वो कहते ना गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड। हाँ हाँ वही वही। अब ये वाले हो गए, मैं इस तरफ आती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी दूसरी साइड हो रही है। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे ये साइड भी कर लो गए और मेरा ये साइड भी कर लो गया। अब आपको मैं मेरे बैक से दिखाती है, उम्मीद बेबा जरा बैक से दिखाओ मुझे बताना कैसी लग रही है। सो नाइस। तो आपने बैक से भी देख लिया कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं और इतनी मेहनत किया ना सीरियसली, ये पहला स्प्रे जो ख़राब निकला, दूसरा स्प्रे हमने किया वो अच्छा निकला, ठीक है। अब खैर बिस्मा गई है बाहर, ठीक है तो मेरा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अभी बिस्मा आती है, बिस्मा से भी आप पूछिए बिस्मा ने कितनी मेहनत की, ऐसे चने लगे तो बिस्मा आ गई है, बिस्मा कंधे से डाल दो तो मैं इसमें बहुत ज्यादा थकी हूँ, एक तो इसके बाद वो थे सिल्की, ऊपर से इसने मॉइस्चराइजर मतलब कंडीशनर लगा लिया, फिर उसके बाद पैरा सा मुझे स्प्रे दे दिया चार दफा, इसके बाद वो कर्ली किया तो ये हालात है। आज का व्लॉग यहीं तक था, मजीद व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और प्लीज कमेंट में मेरी तारीफ कर दीजिएगा, ओह सॉरी मेरे बालों की तारीफ कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वॉशरूम के आते हैं कर दीजिए। थैंक यू बाय बाय अल्लाह हाफिज़।